सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन रीसेलिंग एंड अफिलिएट मार्केटिंग। तो बहुत सारे लोगों का ये डाउट था यार कि जब मैंने अभी वीडियोज बनाई कुछ दिन पहले रीसेलिंग के ऊपर कि रीसेलिंग क्या होती है, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से रीसेलिंग प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज करके रीसेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज होती है, अफिलिएट मार्केटिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, पूरी गाइड बनाई थी, सारे प्लेटफॉर्म्स बताए थे। तो ये सारी वीडियो देख के ना बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को डाउट आया कि भैया रीसेलिंग और अफिलिएट मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में से बेटर क्या रहने वाली है, क्या हमको एज अ बिगनर स्टार्ट करना चाहिए। तो सबके डाउट आ रहे थे, तो मैंने सोचा इस टॉपिक के ऊपर भी एक अच्छी सी वीडियो बना देता हूं ताकि आप सबको बहुत कम टाइम में, बहुत शॉर्ट में सब कुछ समझा दूं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। वैसे तो वो वीडियो देख के आपको ऑलरेडी समझ आ गया होगा मैक्सिमम लोगों को, लेकिन जिनको नहीं समझ आया उनको इस वीडियो के थ्रू मैं सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में समझा देने वाला हूं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कि घर बैठे बैठे ऑनलाइन आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, या जितने भी पैसे कमाने के अलग अलग सोर्सेज हैं जो आपको अच्छे लग सकते हैं, जिससे कि आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, वो सारे सोर्सेज अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। तो ठीक है, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीसेलिंग क्या होती है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज होती है, दोनों के बिजनेस मॉडल को कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, किसमें आप ज्यादा बेटर पैसे कमा सकते हो, किसमें पैसा कमाने में कम टाइम लगेगा, किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, दोनों में से फ्यूचर किसका ज्यादा अच्छा है, ठीक है, जिसमें और दोनों में से किसमें हार्डवर्क ज्यादा लगेगा पैसा कमाने में। ठीक है, तो सारी चीजें बात करने वाले, और फाइनली हम बिल्कुल वीडियो के एंड पे बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में कि दोनों में से क्या चीज है जो एज ए बिगनर आपको चूज करनी चाहिए। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना। सबसे पहले अब मैं आपको बताता हूँ कि रीसेलिंग क्या होती है। रीसेलिंग वैसे तो आपने मेरी ऑलरेडी सारी वीडियो देख रखी होंगी जिसमें मैंने बताया था कि रीसेलिंग क्या होती है, लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि आपको समझ आ जाए रीसेलिंग क्या होती है। रीसेलिंग होती है, देखो, जब हम रीसेलिंग में एक चीज होती है कि हम जैसे सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ, सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ रीसेलिंग क्या होती है। एक सिंपल से एग्जांपल लो रीसेलर की, जितने भी आपके लोकल दुकान वाले हैं ना वो सारे क्या है, रीसेलर्स हैं। दुकान वाले क्या करते हैं, फैक्ट्री से जाके माल लाते हैं, अपनी दुकान पर रखते हैं और आपको बेचते हैं। तो दुकान वाला क्या हुआ, रीसेलर हुआ। क्यों? क्योंकि एक फैक्ट्री में माल बन रहा है, वो माल बन रहा है 50 रुपए का, वो जो सेलर है वो वहां से खरीद के आ रहा है, ठीक है, 80 रुपए का, जो फैक्ट्री वाला वो अपना प्रॉफिट भी तो जोड़ेगा। फैक्ट्री वाले ने वो माल दुकानदार को बेचा 80 रुपए में, फिर दुकान वाला वो अपनी दुकान पे आके कितने में बेच रहा है, 100 रुपए में, 150 रुपए में, जितना उसका मन चाह रहा है, जितना उसको मतलब कस्टमर के अकॉर्डिंग जितना वो प्रॉफिट कमा सकता है। जैसे वो आपको कहेगा कि 500 रुपए की, आप डिस्काउंट करके कहेंगे कि 300 की है, 200 की है, जितने की भी खरीद के आएंगे, ठीक है, तो वो सेलर के ऊपर डिपेंड है कि वो आपको 80 रुपए की टी शर्ट चाहे 100 में बेचे, 150 में बेचे, चाहे 200 में बेचे, ठीक है, वो सारा उसके ऊपर डिपेंड है। तो वो क्या कर रहा है, एक रीसेलिंग बिजनेस कर रहा है, इसको बोलते हैं ऑफलाइन रीसेलिंग, जो हम दुकान पे जाके जिसमें हमको सामान खरीद के आगे कस्टमर को बेचना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑनलाइन रीसेलिंग की। ऑनलाइन रीसेलिंग में भी आपको सेम ही चीज करनी होती है, आपको जो है एक, ठीक है, यहाँ पे एक बंदा होगा जो एक जैसे फैक्ट्री है या कोई रीसेलर है या कोई कंपनी रीसेलिंग ऐप है जो अपना सामान दे रही है आपको बेचने के लिए, उसमें आपको लेकिन ऐसा है कि सामान खरीदना नहीं है। यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि आपको ना कोई भी सामान खरीदना नहीं है, सिर्फ आपको उस कंपनी के साथ अपने आपको रजिस्टर करना है, उसका सारा जो उसके पास, जो उस बंदे के पास, उस कंपनी के पास, उस रीसेलर के पास जितना भी सामान है उसके सामान को आपको प्रमोट करना है, ठीक है, चाहे आप व्हाट्सएप यूज करके करें, चाहे फेसबुक मार्केट प्लेस यूज करके करें, चाहे इंस्टाग्राम यूज करके करें, उसके आपको प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है जो प्राइस आप चाहते हैं। जैसे वो कहेगा कि ये टॉवल है, ये टॉवल मुझे बेचना है, ठीक है, ये टॉवल मेरे पास अवेलेबल है, इस कलर में अवेलेबल है, ये साइजेस में अवेलेबल है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। तो वो आपको बता देगा कि जैसे ये टॉवल 300 रुपए का मैं तेरे को दूंगा, तो आगे अब आपके ऊपर डिपेंड है कि वो आपको, आप उसको 400 का प्रमोट करना चाहते हैं, 500 का प्रमोट करना चाहते हैं। तो जितने भी आप चाहे उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, जितना प्रॉफिट मार्जिन आपको चाहिए उतने प्रॉफिट मार्जिन पे आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, प्रमोट करके उससे सेल्स ला सकते हैं, ठीक है। जितनी भी सेल्स आपकी होंगी उसमें से जितना आपने प्रॉफिट मार्जिन फिक्स किया होगा वो आपको मिल जाएगा, बाकी सारे पैसे हैं जो सेलर को चल जाएंगे। इसमें आप क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे कस्टमर आप, ठीक है, कस्टमर को कि ये प्रोडक्ट है आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, कस्टमर आपको ऑर्डर देगा, वो ऑर्डर आप, ठीक है, कस्टमर से सारी डिटेल्स लेके, पैसे लेके वो आप किसको दे देंगे, जो आपका रीसेलर है, ठीक है, जिससे आप सामान खरीद रहे हैं, जिससे उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, पैसे दे देंगे, तो वो आपका जो प्रोडक्ट है कस्टमर को डिलीवर करवा देगा, ठीक है। तो ये सारा ऐसे सिस्टम चलता है। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो रोल रहता है रीसेलर का रहता है, सारी चीजें जो हैंडल करेगा कस्टमर के साथ वो आप ही हैंडल करने वाले, आपका खुद का ब्रांड नेम चलता है। तो ये होती है रीसेलिंग, ठीक है, जिसमें आपको कुछ खरीदना नहीं है कुछ प्रोडक्ट्स को, लेकिन आपको प्रमोट करके उनको बेचना है। तो ये होती है रीसेलिंग। अगली बात आती है कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज होती है। अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, इसमें आपको सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है। इसमें आपको एक, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है अमेजॉन फ्लिपकार्ट, इन सबके साथ अपने आपको अफिलिएट प्रोग्राम चलते हैं इनके। अब इनके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन तो ऑलरेडी अवेलेबल है जो डायरेक्टली कस्टमर्स खरीद सकते हैं, लेकिन ये कंपनीज क्या करती है कि कुछ अफिलिएट लोगों को हायर करती है, चाहे वो एक यूट्यूबर हो, इंस्टाग्राम हो, या कोई इन्फ्लुएंसर हो, या कोई भी इंसान हो जो अफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन करेगा, या कोई कंपनी
कंपनी है वो क्या करेगा, अमेजोन के प्रोडक्ट्स को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। तो जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर रिव्यू वीडियो बना रहा है, उनको प्रमोट कर रहा है, तो उनको प्रमोट करने के बाद में वो अपनी वीडियोज के नीचे अपने स्पेसिफिक लिंक प्रोवाइड कर देगा। जितनी भी सेल्स उसके प्रमोशन उसके लिंक के थ्रू होंगी, उसमें से जो एक कंपनी है उसको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्या दे देंगी, कमीशन दे देंगी। समझे क्या? तो सिंपल से एग्जांपल देता हूं, जैसे अमेजोन पे ना 10 प्रोडक्ट अवेलेबल है। अब वो 10 प्रोडक्ट तो आप डायरेक्टली जाके भी खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा कि वो अपनी वीडियोस के नीचे लिंक डाल के रखते हैं कि मैं ये कैमरा यूज कर रहा हूं, मैं ये ट्राइपॉड यूज कर रहा हूं, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। तो अगर आप कोई भी चीज उस वाले उनके गिवन लिंक से खरीदते हैं तो वो उस प्रोडक्ट जो आप खरीदते हैं उसका 1-2% जो फिक्स अमाउंट ऑफ कमीशन रहता है उस बंदे को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू आपको अपना पर्सनल लिंक प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो उस प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहा होता है। और जितनी भी सेल होती है उसमें क्या, वो एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा होता है कि हमको कुछ महंगा मिल रहा नहीं। अगर आप अमेजोन पर डायरेक्टली भी जाएंगे तो भी आपको वो उतने का ही मिलेगा प्रोडक्ट, लेकिन अगर आप उस बंदे के थ्रू खरीद रहे हैं तो भी वो प्रोडक्ट उतने का ही मिलेगा। पहले भी आपको 200 का मिल रहा था, अभी भी 200 का मिल रहा है, लेकिन कंपनी क्या करेगी, 200 रुपए में से 1-2% जितना भी उसका अमाउंट फिक्स हुआ होगा कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कमीशन देना है, वो उस बंदे को दे देगी जिसके लिंक के थ्रू वो चीज सेल होगी। क्यों क्यों देगी कंपनी? क्योंकि हमने उस चीज की प्रमोशन की, हमने उस चीज को बिकवाने में मदद की। तो इसमें जो बायर है, ठीक है, जो बायर है उसको कोई भी नुकसान नहीं होता, लेकिन अफिलिएट जो अफिलिएट बंदा होता है, ठीक है, जो उसकी प्रमोशन कर रहा होता है, उसको कंपनी की तरफ से प्रमोशन मिल जाता है। तो ठीक है, दोनों चीजें आपको समझ आ गई। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। दोनों का बिजनेस मॉडल से आप बिजनेस मॉडल मैंने दोनों के समझाई थी कि कैसे काम करता है। रीसेलिंग में क्या होता है कि आप रीसेलर से कनेक्ट करते हैं, उनसे उनके प्रोडक्ट की लिस्ट लेते हैं, उसको अपने प्राइस के ऊपर प्रमोट करते हैं, फिर कस्टमर से ऑर्डर लाते हैं और उसको बेच देते हैं जितना आपका मन चाहे उस पर। लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि उसमें आपका, ठीक है, आपको सिर्फ उनके प्रोडक्ट के लिंक है, उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है, उसका लिंक को प्रमोट करना होता है कि आप इस लिंक से खरीद लें, जितना भी होगा, ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस है जो सेम रहने वाला है, जो पहले अमेजोन डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहा था वही प्राइस आपके लिंक के थ्रू भी दिखेगा। तो जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो सेम रहने वाला है, जो कस्टमर खरीदेगा, ठीक है, उससे क्या होगा कि वो आपके जो आपको जो कमीशन है वो मिल जाएगा। तो दोनों में सिंपल सा यही डिफरेंस है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अब रीसेलर का रोल क्या रहता है, रीसेलर का जो रोल है काफी ज्यादा रहता है, देखो ये भी डिफरेंस काफी ज्यादा बड़ा है कि रीसेलिंग के बिजनेस में जो रीसेलर का रोल है ना वो काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि रीसेलर को सारी सपोर्ट है जो प्रोवाइड करनी होती है। अब रीसेलर ने कोई जो प्रोडक्ट बेच रहा है कस्टमर को, उसमें कस्टमर को ना जो सेलर है उसके बारे में कुछ नहीं पता होता, उसके हिसाब से सेलर आप ही हो। मतलब अगर कस्टमर कोई चीज रीसेलिंग के बिजनेस में मुझसे खरीद रहा है तो उसके लिए सेलर मैं ही हूं, मैं उसको प्रोडक्ट बेच रहा हूं, तो सारी प्रोडक्ट की जिम्मेदारी किसकी होती है, मेरी होती है। अगर प्रोडक्ट खराब निकला तो भी, सही निकला तो भी, उसकी पेमेंट की सारी दिक्कत, ठीक है, उसकी डिलीवरी की सारी दिक्कत, वो सब मुझे हैंडल करना होता है। तो यहाँ पे अब जो सिमिलरली सेलर होता है उसको बायर के बारे में कुछ नहीं पता होता, क्योंकि बायर की सारी बात आपसे होती है। तो आप बीच में जो मिडल मैन रहते हैं उसके पास काफी ज्यादा कंट्रोल रहता है, सारी डिपेंडेंसी आपके ऊपर रहती है, ठीक है। ये है रीसेलिंग के बिजनेस में। अफिलिएट के मार्केटिंग के बिजनेस में क्या होता है, सिर्फ आपको प्रोडक्ट प्रमोट करना है, उसका लिंक को प्रमोट करना है, उसके बाद जो सारी चीजें वो बायर और सेलर के बीच में ही रहती है, उसमें आपका कोई भी रोल और नहीं रहता है। ना आपको डिलीवरी हैंडल करनी है, ना उसके कोई इश्यूज हैंडल करने हैं, ना रिटर्न हैंडल करना है, कुछ भी आपको हैंडल नहीं करना। वो जो जिस कंपनी के एफिलिएट प्रोग्राम में आप रजिस्टर हैं वो उसके ब्रांड नेम से ही बिकेगा, ठीक है, उसके सारी चीजें वही हैंडल करेगा। रीसेलिंग के बिजनेस में जो एक आपका ब्रांड नेम है वो बनता है, आपकी जो आइडेंटिटी है वो बनती है, आपके नाम पे चीजें बिकती हैं। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग के बिजनेस में आपका ब्रांड नेम नहीं बनता, आप सिर्फ एक प्रमोटर होते हैं, जो सारी चीजें बिकेंगी जिस कंपनी के एफिलिएट मार्केटिंग के प्रोग्राम में आप रजिस्टर हैं उसके नाम के थ्रू बिकेंगी सारा, ठीक है, ब्रांड नेम उनका ही चलेगा। जैसे अमेजोन से चीजें बिक रही है तो ब्रांड नेम अमेजोन का ही रहेगा, सारी चीजें उनकी रहेंगी। तो ये हो गया आपको पूरा, दोनों में डिफरेंस भी बता दिया, दोनों का बिजनेस मॉडल भी बता दिया, रोल भी बता दिया, रीसेलर और एफिलिएट मार्केटिंग का क्या रहता है। अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो इसमें रेवेन्यू है, अर्निंग्स है, कैसे होती है। जो अगर हम बात करें कि रीसेलिंग के बिजनेस में अर्निंग कैसे होती है, तो रीसेलिंग के बिजनेस में क्या होती है कि रीसेलर आपको सारे प्राइस और सारा कोटेशन वगैरह दे देता है, उसको आप उसको प्रमोट करते हैं अपना मार्जिन जोड़ के, कि जैसे ये चीज रीसेलर ने आपको 300 की दी तो आप उसको 400-500 जितना भी चाहे उसके हिसाब से प्रमोट करके आगे लोगों को प्रमोट करते हैं और सेल करते हैं। जब वो प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो सेल होने के बाद जो आपका मार्जिन रहता है वो आपके पास रह जाता है, और जो उस प्रोडक्ट की जैसे आपका 500, आपने 300 का टावल 500 बेचा तो 200 रुपये आपका प्रॉफिट मार्जिन हो गया, और जो 300 रुपये आप रीसेलर को दे देंगे जिससे आपने वो टावल खरीदा है, ठीक है, जिसका प्रोडक्ट आपने डिलीवर करवाया है, तो 300 रुपये उसके और 200 रुपये आपके, ठीक है, तो ऐसे आपका प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा, ऐसे आपने पैसा कमा लिया। अफिलिएट मार्केटिंग में कैसे होता है कि अफिलिएट मार्केटिंग में अमेजोन के प्रोडक्ट पड़े हैं, फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट पड़े हैं, उनके लिंक को आप प्रमोट करते हैं, बायर उसको खरीदता है,
ऑटोमेटिक आपके लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, बायर खरीदेगा, सारी चीजें उसने अमेजोन से खरीद ली। जब अमेजोन ने वो प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट पहुंच गया, तो उसके बाद जो अमेजोन है, जब वो प्रोडक्ट बिक गया, तो उसके बाद अमेजोन ने आपको जितना भी परसेंटेज आपका फिक्स हुआ होगा, 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, जितना भी परसेंटेज फिक्स हुई होगी उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो उस प्रोडक्ट का जो कमीशन है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एफिलिएट मार्केटिंग वाला पैसे कमाता है। अब दोनों का डिफरेंस तो आपको समझ आ ही गया कि इसमें जो कमीशन रहता है वो पहले से फिक्स रहता है, और रीसेलिंग के बिजनेस में आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कस्टमर के हिसाब से कितना कमीशन है जो कमाना चाहते हो। अगली बात आती है कि आप कितने टाइम में दोनों बिजनेस में पैसा कमाना शुरू कर सकते हो। तो जो रीसेलिंग का बिजनेस है और एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस है, उसमें कितने टाइम में पैसा आने लग जाएगा, कितने टाइम में पैसे आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले पॉइंट की बात करें कि कितने टाइम में पैसा आ जाएगा, तो रीसेलिंग के बिजनेस में ना जो आप अप्रॉक्सीमेट 20 से 25 दिन में जो पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो बहुत ईजिली। रीसेलिंग के बिजनेस में क्या होता है, रीसेलिंग में बिजनेस में आपको या तो किसी रीसेलिंग ऐप के साथ या किसी रीसेलर के साथ, ठीक है, जो जुड़ना होता है, जुड़ने के बाद उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करना स्टार्ट करना होता है। उनके प्रोडक्ट को चाहे आप कैसे भी प्रमोट करें, व्हाट्सएप के थ्रू प्रमोट करें, इंस्टाग्राम के थ्रू प्रमोट करें, फेसबुक मार्केट प्लेस के थ्रू प्रमोट करें, ठीक है, गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करें, जैसे भी आप प्रमोट करना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको प्रमोट करना है। जैसे जैसे आप प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते जाएंगे, लोगों को प्रोडक्ट दिखेंगे, उनको अगर पसंद आएंगे तो आपको जो ऑर्डर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेट 20 से 25 दिन अगर मेहनत करें आप, तो आपको एक दो ऑर्डर दिन के आने स्टार्ट हो जाएंगे, और धीरे धीरे आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती जाएगी और आपके ऑर्डर बढ़ते जाएंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें एफिलिएट मार्केटिंग की, तो एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा नहीं है कि आज मैंने अगर एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सुना, आज ही रजिस्टर किया और मैं आज ही पैसे कमाना शुरू कर दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। एफिलिएट मार्केटिंग में पैसा कमाने के लिए आपको ना पहले से काफी ज्यादा ऑडियंस की नीड पड़ती है कि अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक प्रमोट करने, उसे सेल्स लानी है, तो आपके पास एक अच्छी खासी ऑडियंस होनी चाहिए। बिना ऑडियंस के आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो रजिस्टर तो कर सकते हो आप, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे आप रीसेलिंग में रजिस्टर करो चाहे एफिलिएट मार्केटिंग में करो, दोनों ही प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन जब आप लिंक जनरेट कर लोगे, उन लिंक को प्रमोट कहां करोगे अगर आपके पास ऑडियंस ही नहीं है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आपको पैसा चाहिए, तो आपके पास पहले से अप्रॉक्सीमेट 5-10 हज़ार फॉलोअर्स या तो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कहीं पे होने चाहिए, एक अच्छी खासी ऑडियंस होनी चाहिए जो आपको देख रही है, और वो ऑडियंस रेगुलरली ग्रो होती रहनी चाहिए अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाना है। ठीक है, तो ये हो गया वो। अगर अब आपके पास कोई ऑडियंस नहीं, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं एज अ बिगिनर, तो एफिलिएट मार्केटिंग में पहले आपको ऑडियंस बनानी पड़ेगी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि ऑडियंस आप 1 महीने में बनाते हो, 6 महीने में बनाते हो, 1 साल में बनाते हो या 2 साल में बनाते हो। जब आपकी ऑडियंस बन जाएगी, उसके बाद आप अपने एफिलिएट लिंक को प्रमोट करोगे, जिससे कि आपको रेवेन्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि ये तो चल ठीक है, अब दोनों मेरे पास एक अच्छी खासी ऑडियंस भी है, मेरा एफिलिएट मार्केटिंग से कमीशन भी आ रहा है, रीसेलिंग से कमीशन आ रहा है, तो दोनों मुझे पैसे मिलेंगे कब? ठीक है, तो ये बात भी काफी ज्यादा देखने वाली है कि जब हम रीसेलिंग करते हैं, तो रीसेलिंग में क्या होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट जैसे कस्टमर को डिलीवर हो गया रीसेलिंग में, तो आपको उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कब मिलेगा? अगर तो वो कैश ऑन डिलीवरी ऑफर है, तो उसका आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कब मिलेगा? जब जो प्रोडक्ट आपने डिलीवर कराया उसका रिटर्न पीरियड खत्म हो जाएगा। जैसे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर 7 दिन का रिटर्न पीरियड होता है ना, तो जब उसका रिटर्न पीरियड खत्म हो जाएगा 7 दिन का, तो 8th या 9th डे पे आपके जो उसका प्रॉफिट है उस प्रोडक्ट का आपके अकाउंट में आ जाएगा। और अगर वो प्रीपेड ऑर्डर है, तो उस कस्टमर ने आपको पे किया होगा, तो आप अपना जो प्रॉफिट है पहले ही रख के रीसेलर को बाकी बची हुई अमाउंट दे सकते हैं। लेकिन बाद में अगर वो ऑर्डर रिटर्न होता है, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ था वो भी आपको कस्टमर को रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तो ये अगर उसके बाद हम अफिलिएट मार्केटिंग की बात करते हो, तो अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि सिमिलर थिंग है, अगर आपका जो जैसे आपने कोई चीज बिकवा दी, आपके लिंक के थ्रू कोई चीज बिक गई, तो उसके बाद ना उसका रिटर्न पीरियड का वेट होगा 8 या 9 दिन, तो उसका रिटर्न पीरियड रहता है जो अमेजोन या फ्लिपकार्ट जो भी चीजें बिकती है। जैसे आपका रिटर्न पीरियड खत्म होगा, तो आपका जो इनिशिएट हो जाता है जो अमाउंट है, लेकिन उसको आपको बैंक अकाउंट तक आने में अप्रॉक्सीमेट 20 से 25 दिन का समय जाता है। तो आप कंसीडर करके चल सकते हैं कि ये वाला जो रीसेलिंग के उसमें आपको 9th या 10th डे पैसे मिल जाते हैं, और अगर हम बात करें एफिलिएट मार्केटिंग में, तो 1 महीने के बाद आपकी जो अमाउंट है आपके अकाउंट में पहुंचती है, जो आपका कमीशन रहता है। उसके बाद दोनों में से बेटर फ्यूचर किसका है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। रीसेलिंग का बिजनेस ना कम है, थोड़ा सा बेटर फ्यूचर आपका एफिलिएट मार्केटिंग में, अगर आपने अच्छी खासी ऑडियंस जनरेट कर ली, तो जैसे जैसे आपकी ऑडियंस बढ़ती जाएगी, तो इसमें क्या होता है कि आप 2 इनकम सोर्स बना लेंगे एफिलिएट मार्केटिंग में। कैसे? क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में आप अपनी कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दे रहे होंगे, जिससे कि आपकी सेल्स बढ़े, तो कंटेंट क्रिएशन से भी आपको एड रेवेन्यू आ जाएगा, स्पॉन्सरशिप्स मिल जाएंगी, और आपको एक पैसिव इनकम मिलती रहेगी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। वही अगर हम बात करें रीसेलिंग के बिजनेस में अगर तो आपने बेचना अच्छा स्टार्ट कर दिया, आपकी जो दुकान है वो अच्छी चल रही है, आपकी रीसेलिंग पे अच्छे खासे ऑर्डर आ रहे हैं दिन के, ठीक है, 5, 10, 20, 25 ऑर्डर आ रहे हैं, और वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आपके जो ब्रांड नेम है वो ग्रो कर रहा है, तो आप इससे अच्छा खासा कमा सकते हैं। लेकिन इसमें बेटर फ्यूचर इसलिए नहीं है, क्योंकि अगर देखो, सपोज करो जिस कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, जिसके आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, सडनली अगर वो कंपनी बिजनेस बंद कर दे, तो आपका जो दुकान है वो इमीडिएटली बंद हो जाएगी, आप सारे कस्टमर अपने खो दोगे, क्योंकि कस्टमर ऑर्डर कर रहे होंगे और आपके पास माल होगा नहीं, और इतनी जल्दी किसी और से आप जुड़ नहीं पाओगे उनके प्रोडक्ट को, क्योंकि
क्वालिटी मैच नहीं कर पाओगे ना, अगर वो कोई इतनी अच्छी क्वालिटी दे रहा था बाकी कंपनी नहीं दे पा रही उतनी अच्छी क्वालिटी, तो आपके तो भी कस्टमर्स खराब हो जाएंगे। तो इसमें जो फ्यूचर है थोड़ा सा डगमाया जाता है कि अगर कंपनी ने बिजनेस बंद कर दिया तो इशू है, अगर कंपनी ने आपको बिजनेस देना बंद कर दिया, अगर कंपनी ने कहा कि नहीं तेरे कस्टमर्स खराब है तो हमको तेरे साथ रहना ही नहीं है तो हमको तेरे को निकाल रहे हैं, तो तुझे अगर वो बाइकआउट कर दे तो वो उसमें भी दिक्कत है कि आपकी जो दुकान है वो बंद हो जाएगी। तो इसमें जो थोड़ा सा फ्यूचर है वो हो जाता है, या कोई कंपनी जिसको आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो फ्यूचर में वो कहे कि अब हमको रीसेलर्स की जरूरत नहीं है, अब जैसे मीशो की एग्जाम्पल ले लो, अभी उस पर रीसेलर्स है, अब जब मीशो बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी अमेजोन की तरह तो वो रीसेलर्स को क्यों रखेगी, ठीक है, वो कहेगी कि नहीं अब हम अपना खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बना देंगे जिसपे हम सारा सामान अपना डायरेक्टली बेच सकते हैं कस्टमर्स को, रीसेलर्स की जरूरत नहीं है क्योंकि रीसेलर्स की वजह से चीजें महंगी महंगी बिक रही है तो जिसकी वजह से कस्टमर खराब होता है, ठीक है, तो वो क्या कहेंगे कि हम डायरेक्टली बना रहे हैं तो भी आपकी दुकान बंद हो जाएगी, तो इसमें रिस्क ज्यादा है। अफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, अफिलिएट मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट पड़े सेम रेंज पे, ठीक है, चाहे वो कस्टमर डायरेक्टली वहां से खरीदे चाहे आपके लिंक के थ्रू से खरीदे, सेम प्राइस पे मिल जाते हैं, तो उसमें अफिलिएट मार्केटिंग आज भी चल रही है और अगले 10-20-25 साल में भी चलने वाली है। 2025 तक तो इसका जो मतलब कि मार्केट का रेवेन्यू रहने वाला है 6,325 करोड़ का रेवेन्यू रहने वाला है, ठीक है, जो कि काफी बड़ी मार्केट बनेगी अफिलिएट मार्केटिंग। रीसेलिंग के बिजनेस में पैसा तो ज्यादा है, प्रॉफिट तो ज्यादा है, लेकिन रिस्क भी उतना ज्यादा ही है, वो कहते हैं ना रिस्क है तो इसके है, तो वैसा ही है कि जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा पैसे भी आप कमा पाओगे। अफिलिएट मार्केटिंग आपकी पहली सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो सकती क्योंकि इससे जो कमीशन बनता है वो काफी ज्यादा कम बनता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1-10% का रहता है अमेजोन, ठीक है, मैक्सिमम जो कमीशन रहता है वो 9-10% का रहता है अमेजोन पे। कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो 70-80% तक देती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अब स्टॉक्स वगैरह, ठीक है, जो ये वाली कंपनीज है या होस्टिंग वेबसाइट्स है वो अप टू 70% तक का भी कमीशन दे देती है, लेकिन वो वन टाइम रहता है ना, वो आपको बार बार तो नहीं मिल रहा जिससे काफी ज्यादा दिक्कत है। लेकिन अगर हम बेटर फ्यूचर की उसमें टर्म में बात करें तो आपका ये जो एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस है वो इस टर्म में भी बेटर आ जाता है, क्यों, जैसे आपने सपोज करिए एक वीडियो बनाई यूट्यूब के ऊपर किसी चीज के रिव्यू से रिलेटेड और उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, वो जो यूट्यूब पे वीडियो रहेगी उससे आपको आज भी सेल आ रही है, एक साल बाद भी सेल आएगी, क्यों, क्योंकि वो वीडियो बार बार लोग देख रहे हैं, जितनी ज्यादा उसमें व्यूज आते जाएंगे लोग आपके लिंक के थ्रू खरीदते जाएंगे और आपको जो सेल आती जाएगी, तो आपकी एक पैसिव इनकम बनी रहेगी। लेकिन रीसेलिंग में जैसे आपने सपोज करिए कि जब प्रमोशन करनी बंद कर दी, ठीक है, आप जैसे ही बीमार हो गए तो आप प्रमोशन नहीं कर पा रहे, तो आप उसी टाइम आपकी सेल्स वगैरह ना रुक जाएंगे, आपको ऑर्डर आने कम हो जाएंगे, जैसे कि आप जब आप एक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं बेच रहे हैं कोई चीजें तो आपको दिन के 100 ऑर्डर आ रहे हैं और जब आप नहीं कर रहे तो आपको दिन के 10 आ रहे हैं, जिससे कि आपकी सेल्स पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है, ठीक है, तो ये सारा है। अब अगर हम बात करें कि इसमें कंट्रोल और इंडिपेंडेंस किसमें ज्यादा है, तो इंडिपेंडेंस भी एफिलिएट मार्केटिंग में ज्यादा है, कंट्रोल आपका जो ज्यादा रहता है वो रीसेलिंग के बिजनेस में रहता है, क्योंकि रीसेलिंग के बिजनेस में आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना आपको प्रॉफिट कमाना है, कौन सी चीज कस्टमर को कितने में बेचनी है, वो सारा कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, लेकिन आप डिपेंडेंट रहते हैं रीसेलर के ऊपर, अगर उसने प्रोडक्ट नहीं दिया या कोई गड़बड़ की तो सारी चीजें आपके ऊपर आती है। वहीं पे हम जो अफिलिएट मार्केटिंग में टोटली इंडिपेंडेंस रहते हैं, सारी चीजें ब्रांड के ऊपर डिपेंड रहती है, आपको सिर्फ उनका लिंक प्रमोट करना है, बाकी सारी चीजें कस्टमर और बायर आपस में हैंडल करेंगे। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दोनों में सेम रहती है, आपको प्रमोशन करनी है, ऑडियंस चाहिए, प्रमोट करनी है सारी चीजें और चीजों को बेचना है, सिंपल सी बात है, दोनों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सेम है। स्केलेबिलिटी की बात करें तो स्केलेबिलिटी जो आपको रीसेलिंग के बिजनेस में ज्यादा मिल जाती है, कैसे, क्योंकि अगर जैसे आप सपोज करिए अभी आपने लोकल अपने शहर से बेचना स्टार्ट किया था, अभी आपको सिर्फ लोकल शहर के ऑर्डर आ रहे थे, जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे आपका ब्रांड नेम ग्रो करता जाएगा तो हो सकता है आपको ऑल ओवर इंडिया से आने लग जाए, ठीक है, जैसे कि आप पहले एक स्टेट कवर किए फिर दूसरे स्टेट से भी आने लग गए, धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया के आपको ऑर्डर आ जाएंगे तो स्केलेबिलिटी का चांस आता है, फिर आप मतलब अलग अलग कंट्री से भी आपको ऑर्डर मिल सकते हैं। लेकिन ये केस आपको अफिलिएट मार्केटिंग में नहीं दिखने वाला, अफिलिएट मार्केटिंग में सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है पूरे, ठीक है, अमेजोन पे पूरे इंडिया के लिए, तो लोग डायरेक्टली सेल्स ज्यादा खरीद देते हैं एज कम्पेयर टू आपकी वीडियोज के थ्रू। जैसे कि एक प्रोडक्ट है जिसकी सेल्स 1 महीने में 1 लाख प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो 1 लाख में से 20,000 प्रोडक्ट ही है जो सिर्फ अफिलिएट के थ्रू बिकते हैं, वो भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके लिंक के थ्रू ही, हजारों लोग हैं जो उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं उनके लिंक के थ्रू, तो आपके मतलब एज कम्पेयर टू उस प्रोडक्ट की सेल्स में से आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है वो काफी ज्यादा कम रहता है एज कम्पेयर टू रीसेलिंग के बिजनेस में, ठीक है। अगली चीज आती है हार्डवर्क, हार्डवर्क की बात करें तो हार्डवर्क दोनों चीजों में ही ज्यादा लगने वाला है, ज्यादा हार्डवर्क किसका किसमें लगेगा आपका रीसेलिंग के बिजनेस में लगेगा, तो अगर हम बात करें एज कम्पेयर टू पैसे के मामले में तो आपका जो ज्यादा हार्डवर्क लगेगा किसमें, इसमें आपका अफिलिएट मार्केटिंग में, क्यों, क्योंकि आपको रीसेलिंग के बिजनेस में पैसा ज्यादा आएगा, क्यों पैसा ज्यादा कैसे आएगा, क्योंकि आप पहले ही 20-25 दिन में अच्छा खासा पैसा जो रेवेन्यू है जनरेट करना स्टार्ट कर दोगे, कैसे, क्योंकि आपने जैसे ही इसमें ना आपको इनिशियल कोई ऑडियंस की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, आपने मीशो कंपनी ज्वाइन किया कोई भी रीसेलिंग ऐप ज्वाइन की, ज्वाइन करने के बाद उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करना स्टार्ट किया, प्रमोट करके आपको जो ऑर्डर आने लग जाएंगे रेगुलरली आप उसको प्रमोट करते रहेंगे, उसके बाद इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब जैसे भी आपको
प्रमोट करना है। जैसे 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 उसकी प्रमोशन बढ़ाते जाएंगे आपके पास ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे और आपके प्रोडक्ट है जो बिकते रहेंगे। लेकिन वहीं अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें तो एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा नहीं है कि आज रजिस्टर किया और आपकी आज ही सेल आने लग जाएगी। उसके लिए आपको पहले इनिशियल ऑडियंस की जरूरत है। अगर आपके पास ऑडियंस नहीं है तो आप अपने लिंक को प्रमोट ही नहीं कर पाओगे और आपको पैसे नहीं आएंगे। तो इसमें ये हार्ड वर्क ज्यादा है कि अगर आप पैसे ज्यादा कमाना चाहते हैं तो आपका ज्यादा हार्ड वर्क लगने वाला है एफिलिएट मार्केटिंग में पैसा बनाने के लिए, लेकिन रीसेलिंग में आप जल्दी पैसे कमाने लग जाएंगे। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें कि ओवरऑल हार्ड वर्क किसमें ज्यादा लगेगा, वो एफिलिएट इसमें रीसेलिंग के बिजनेस में ज्यादा लगेगा। कैसे? क्योंकि रीसेलिंग के बिजनेस में पैसा तो जल्दी आने लग जाएगा लेकिन उसके साथ साथ आपको काफी ज्यादा चीजें हैंडल भी करनी पड़ती है इसमें, क्योंकि कंट्रोल आपके पास ज्यादा होता है। इसमें आपको कस्टमर को भी हैंडल करना है, कस्टमर को ऑर्डर, ठीक है, पहले तो उस चीज को प्रमोट करना है, फिर कस्टमर सारे सवाल है जो आपसे पूछेगा, आपको मैसेज करेगा, आपको कॉल करेगा, फिर आपके थ्रू ही वो प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा, मतलब ऑर्डर करेगा, ठीक है। उसके बाद वो जब तक वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंचा, कब पहुंचा, जब डिलीवर हो जाएगा अगर वो खराब निकला उसका रिटर्न भी आपको हैंडल करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट रिटर्न करवाना है, उसका रिफंड करवाना है, पैसे, सारी चीजें आपको हैंडल करनी पड़ेंगी। तो जब तक आपके पास दिन के 10-20 ऑर्डर आ रहे हैं तो आप हैंडल कर पाएंगे, लेकिन जब आपके पास दिन के 100-100 ऑर्डर आने लग जाएंगे तो आपके ऊपर काफी ज्यादा जो प्रेशर बन जाएगा, आपको कस्टमर सपोर्ट देनी पड़ेगी, सारी चीजें हैंडल करनी पड़ेंगी, उसको प्रमोट भी करना है, ठीक है, हैंडल भी करना है। तो ये सारी चीजें आपको हैंडल करनी पड़ेंगी जिसमें कि हार्डवर्क रीसेलिंग के बिजनेस में काफी ज्यादा हो जाता है। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। जब आपके एक बार आपको जो हार्डवर्क करना है सिर्फ ऑडियंस के ऊपर करना है, जब आपकी ऑडियंस बन गई, आपके पास एक अच्छा खासा यूट्यूब चैनल है या इंस्टाग्राम है जिसके ऊपर आपके 10-20 हज़ार फॉलोअर है, तो आपको सिर्फ उस चीज के बारे में बात करनी है, उसको प्रमोट करना है। उसके बाद जितना भी हार्डवर्क है वो सारी कंपनी बायर और सेलर के बीच में होगा। आपके लिंक के थ्रू बायर जाएगा, वहां पे अमेजोन पे कुछ चीज ऑर्डर कर लेगा, सारी चीजें अमेजोन हैंडल करेगी, उसको डिलीवर करना, ठीक है, उसका डिलीवरी का टाइम, उसके पैसे लेना, रिफंड देना, सारा कुछ अमेजोन खुद हैंडल करेगी, आपको कुछ भी नहीं करना। तो लॉन्ग टर्म में एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत ज्यादा हमको जो हार्डवर्क है नहीं करना पड़ता, सिर्फ इनिशियल 4-5 महीने 1 साल हार्डवर्क करना पड़ता है जब हम अपनी ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं। प्रोज एंड कॉन्स दोनों के, ये रीसेलिंग में आपको पहले ही, ठीक है, शुरू से ही आप पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसमें वही दिक्कत है कि अगर आप ऑर्डर नहीं ला पा रहे तो आपको कमीशन, मतलब पैसे नहीं मिल पाएंगे। एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा होता है, रीसेलिंग में सिर्फ आप एक ही जगह से कमीशन से पैसे कमा पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम वही एफिलिएट मार्केटिंग में बात करें, एफिलिएट मार्केटिंग के ये दिक्कत ये है कि शुरू में आपको ऑडियंस चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ऑडियंस है तो आप पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत ये रहती है कि आपका जो कमीशन है वो कम रहता है एज कम्पेयर टू रीसेलिंग का बिजनेस। तो ये सारे प्रोज एंड कॉन्स है जो आपको चैलेंजेस सब हैंडल करने पड़ते हैं। इन सब के ऊपर हम डिपेंड करेंगे कि कंक्लूजन फाइनली क्या निकलता है कि एज अ बिगनर मुझे क्या चीज ज्वाइन करनी चाहिए। तो एज अ बिगनर मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में से अगर तो आपका गोल, ये डिपेंड करेगा कि आपको क्या चीज स्टार्ट करनी है आपके गोल के ऊपर। अगर तो आपका गोल है कि आपको कंटेंट क्रिएशन करनी है, आपको यूट्यूब वीडियोस बनानी है, आपको यूट्यूब से पैसा कमाना है, स्पॉन्सरशिप से पैसा कमाना है, तो आप चूज करिए एफिलिएट मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि एफिलिएट, एक तो अब जब आप कंटेंट तो आपको बनाना ही है, तो कंटेंट आपको आपका क्योंकि मेन गोल क्या है, कंटेंट बनाना, तो जब कंटेंट बना लेंगे, कंटेंट से पैसा कमा पाएंगे, ठीक है, स्पॉन्सरशिप से पैसा कमा लेंगे, तो एफिलिएट मार्केटिंग से आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं जिससे आप दो जगह से पैसा कमा रहे हैं, यूट्यूब एड से भी पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, मतलब यूट्यूब से भी पैसा कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम से भी पैसा कमा रहे हैं, और उसके बाद दूसरे लिंक्स को प्रमोट करके एफिलिएट मार्केटिंग से भी करा रहे हैं। तो आपका गोल यहाँ पे मेन क्या था, सोशल मीडिया। लेकिन अगर आपका गोल है कि मुझे मतलब कि कंटेंट में नहीं बना पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है रील्स बनाना या यूट्यूब वीडियोस बनाना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन मैं चीजें बेचने में अच्छा हूँ, मैं चीजें बेच के जल्दी पैसे कमाना चाहता हूँ, तो आप जा सकते हैं रीसेलिंग के बिजनेस में एज अ बिगनर, कि आप वहाँ पे जाके अपनी शुरू कर दे अपनी दुकान, वहाँ पे चीजों को प्रमोट करें इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू, मार्केट प्लेस में आपको ऑर्डर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और आप चीजों को प्रमोट करते रहेंगे, आपको सेल्स आती रहेंगी, जिसमें आपको कंटेंट क्रिएशन का कोई दिक्कत नहीं है, और वो जो रीसेलिंग के बिजनेस में आपकी इनकम सोर्स रहेगी वो आपकी प्राइमरी सोर्स रहेगी, कि आप उस पर पूरा दिन अपना स्पेंड करेंगे, पूरा टाइम देंगे, तभी आप पैसा कमा पाएंगे। एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग में आपका जो मेन ध्यान रहेगा वो कंटेंट क्रिएशन पे रहेगा। एफिलिएट मार्केटिंग जब कंटेंट आपकी जो ऑडियंस बन जाएगी उसके थ्रू आप लिंक प्रमोट करके पैसे कमाएंगे। तो ये रहता है कंक्लूजन कि आपके गोल के ऊपर डिपेंड करने वाला है कि कौन सी चीज आपको चूज करनी है। आई होप आपको इस वीडियो से सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।